सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि सोमवार को कृषि कानूनों की वैधता पर सुनवाई होने वाली है। तो वहीं कृषि कानूनों की वैधता को एक किसान संगठन और वकील एमएल शर्मा ने चुनौती दे दी है। दरअसल शर्मा ने याचिका में ये कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कृषि और भूमि राज्यों का ये विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में इसे एंट्री 14 से 18 में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट रूप से राज्य का विषय है, इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाए। और वहीं मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की के समक्ष सोमवार को ये सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने यह कहा है कि अगर सर्वोच्च अदालत किसानों के हक में फैसला देता है तो उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कानून समवर्ती सूची की एंट्री 33 से के आधार पर बनाए हैं और उन्हें लगता है कि इस एंट्री से कृषि विपणन पर कानून बनाने का अधिकार है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।